हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग, वेलकम टू आवर चैनल मिस्टर मिसेस प्रीत। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। और मैं ये रेडी हो चुकी हूँ गाड़ी में जाने के लिए। अभी टाइम हो रहा है, अभी 6:05 टाइम है। और मैं और स्वाति हम दोनों जा रहे हैं जगन्नाथ मंदिर। आज जगन्नाथ जी का लास्ट दर्शन है, तो हम लोग जा रहे हैं दर्शन करने उनका वेश। आज शायद कल के अवतार होगा। जी हाँ, लास्ट तो कल के अवतार होता है। तो चलिए हमारे साथ वहाँ पे जगन्नाथ मंदिर और देखते हैं भगवान जी का क्या बोलते हैं अवतार। चलिए, ये हम निकल चुके हैं बाहर। थोड़ा थोड़ा बारिश हो रहा था, थोड़ा मतलब एकदम हल्का हल्का बूंदे गिर रहा था, मतलब हल्का वो फवारा जैसे उस टाइप का एकदम हल्का। तो चलिए, मैं स्कूटी तो ये निकाल चुके हैं। स्कूटी कितना गंदा हुआ है ये बारिश के वजह से, बाहर रहने से ना स्कूटी पूरा इतना गंदा हो गया है मत पूछिए। तो चलिए फिर अभी चलते हैं। अभी हम लोग, मैं और स्वाति और ये आके हम लोग पहुँच चुके हैं मंदिर के सामने। कैसे चढ़ गया ऊपर इधर से? हाय कर दो। नमस्कार। और ये देखिए, दो रथ यहाँ पे है, जो मैं बार बार बताती हूँ ना आपको, यहाँ पे दो रथ खींचा जाता है। और स्वाति यहाँ से नारियल वारियल सब खरीद लिया है। मैं बोली थी तुम नारियल खरीद लो और फिर अंदर जाएंगे, और मैं थोड़ा सा शूट कर रही थी वहाँ पे। देखे ना आप लोग बाबू कैसे ऊपर बैठा था। और ये देखिए रथ, जगन्नाथ जी का एंड सुभद्रा माता दोनों का रथ है यहाँ पे। तो चलिए फिर अभी अंदर चलते हैं। यहाँ पे देखिए टिकट सिस्टम है। यहाँ पे जो प्रसाद मिलता है ना, वो यहाँ पे टेबल में टिकट कट करते हैं। आपको मॉर्निंग में लेना होगा, 10 दिन पूरा मिलता है यहाँ पे। यहाँ से टिकट कट करके लेके जाते हैं प्रसाद, फिर लेने के लिए 1 बजे आना पड़ता है। ये देखिए बाहर कितना सुंदर हो गया है पहले से। पहले का जगन्नाथ मंदिर और आज का जगन्नाथ मंदिर में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। बहुत नीट एंड क्लीन, ये देखो ये गाय घुस गया। और पहले से बहुत नीट एंड क्लीन हो गया है, बहुत अच्छे से डेकोरेट कर रहे हैं अंदर। साफ़ सफाई का भी बहुत अच्छे से ख्याल रखा जा रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। ये एरिया ही, मतलब जो जगन्नाथ मंदिर है, पास में ही समलेश्वरी मंदिर है, पास में ही राधा कृष्ण मंदिर है, पास में ही जो ज़्यादा दूर नहीं है, जैसे कि आपका शिवजी का मंदिर है, तो ये पास पास में जितना भी मंदिर है, पास पास में एक्चुअली 3 मंदिर है यहाँ पे। तीनों ही बहुत ही, मतलब ये जो जगन्नाथ मंदिर, समलेश्वरी मंदिर और राधा कृष्ण मंदिर, तो ये एरिया बहुत पवित्र लगता है, ये एरिया बहुत अच्छा लगता है, दैविक एरिया जैसे लगता है। तो यहाँ पर तो होना चाहिए कुछ, आशा करते हैं फ्यूचर में होगा बहुत ही बड़ा, है ना। तो चलिए अभी जगन्नाथ जी के मंदिर चलते हैं। बहुत पुराना मंदिर है, जैसे मैं ऊपर आपको दिखा रही हूँ, बहुत बार दिखा भी चुकी हूँ, ऐसा नहीं है कि मैं फर्स्ट टाइम दिखा रही हूँ। लेकिन देखिए, जगन्नाथ मंदिर से ही जगन्नाथ जी रथ निकलता है और फिर रिटर्न आके यहीं पे ही जगन्नाथ जी रुकते हैं। देखिए बाहर, अंदर और नहीं बैठते, बाहर जो ये बड़ा सा हॉल जो है ना मंदिर का प्रांगण, यहाँ पे ही जगन्नाथ जी को रखा जाता है और उनके जो सिंहासन अंदर है वहाँ पे नहीं बिठाते। और ये देखिए, दर्शन कर लीजिए आप लोग, ये कल्कि अवतार है। देखिए जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा माता, तीनों भाई बहन कितने अच्छे लग रहे हैं। मतलब आप, मैं तो कुछ देर बैठी वहाँ पर, मुझे बहुत अच्छा लगा। और उसके बाद फिर उठ के मैं, मतलब थोड़ा सा शूट की, बहुत अच्छा लगता है मंदिर में आप जाके 10-15 मिनट बैठो और शांति से, तो अच्छा लगता है। और ये हम लोग पूजा वूजा सब कर चुके हैं, स्वाति कर रही थी पूजा। देखिए जगन्नाथ जी को फिर से मैं आपको और एक बार दिखा देती हूँ। बहुत, मतलब बहुत ही भीड़ था मंदिर, मतलब बहुत ही, मतलब मैं बोलूँ ना, हर रोज़ बहुत भक्त आ रहे हैं यहाँ पे। सुंदरगढ़ में तो 2 जगह पे रथ होता है, यहाँ पे एक और 3 जगह पे होता है। मैं तो और एक जगह कभी नहीं गई आज तक, और एक रंगाढिपा में होता है, जो कि सुनारीपड़ा का जो जगन्नाथ जी हैं उनको लेके जाते हैं वहाँ पर। वहाँ पर वो 8 दिन रहते हैं, फिर वहाँ से रिटर्न सुनारीपड़ा में आते हैं। लेकिन यहाँ पर यही रिवाज है, यहाँ पे फिर रिटर्न आते हैं, पर बाहर रुकते हैं 8 दिन, फिर से बाहुड़ा यात्रा होता है मंदिर से ही लेके, फिर रथ खींचा जाता है, फिर यहाँ पे आके मंदिर के अंदर उनको लेके जाते हैं। और ये देखिए ये वाला उस दिन बाहुड़ा के दिन ना ये वाला सब देंगे, प्रसादी के हिसाब से सबको देते हैं, बहुत अच्छा रहता है। ये जो आपका पंचोसस्य यहाँ पर डालते हैं ना, उसी से ही ये सस्य उगता है यहाँ पर, शायद पंचोसस्य होगा मुझे तो लग रहा है, या फिर मूंग रहता है या ऐसा कुछ रहता है, हाँ याद नहीं है। अगर आपको पता है तो बोलना, वो जो वहाँ पे प्लांट्स निकला है ना, वो किस चीज़ का है, जिसको पता है कमेंट में बताना वो किस चीज़ का है। और उसको तो बाहुड़ा के दिन देते हैं, मुझे पता है, बताना। और ये देखिए जगन्नाथ जी को फूल वूल सब चढ़ा रहे हैं बहुत। ये हम लोग बैठे थे जो साइड में, मैं जो बैठी थी वहाँ से बैठ के मैं शूट कर रही थी,
मुझे बहुत अच्छा लगा यहाँ पे बैठने से। भगवान जी के पास बैठोगे ना तो लगता है किसी का हाथ है आपके सर के ऊपर, ऐसे ही लगता है मुझे। देखिए कल्कि अवतार भगवान जी कितना सुंदर लग रहा है उनका वेशभूषा। और यहाँ पे भक्त जन सब कोई अपना पूजा पाठ कर रहे थे और हमारे श्वाते शूट कर रही थी। वो दीदी का मोबाइल लेके गई थी, दीदी के मोबाइल के लिए शूट कर रही थी, मैं अपने मोबाइल से शूट कर रही हूँ। आप लोग सब कोई जा रहे होगे मंदिर, ये तो मुझे पता है, सब कोई दर्शन भी कर रहे होगे भगवान जी का। तो मैं तो ये मतलब लास्ट दर्शन की, जैसे रथ यात्रा के दिन की थी उसके बाद ये वाला की, और बावड़ा के दिन फिर से करेंगे। तो आज का वीडियो जो मैं बनाई हूँ बस भगवान जी का एक बस थोड़ा सा दर्शन हो जाए और मेरे फ़ोन में कैप्चर होके मेरे ब्लॉग में भगवान जी रह जाएँ हमारे पास, ताकि हम जब चाहें तब देख पाएँ उनको, है ना। ये दिन तो लौट के नहीं आएगा ना, भगवान जी तो होंगे वहाँ पे, लेकिन ये जो माहौल ये और लौट के नहीं आएगा, इसीलिए मैं थोड़ा सा कैप्चर की। और बाहर जाके थोड़ा सा बैठते हैं मंदिर के बाहर, तो हम थोड़ा सा यहाँ पे बैठ के फिर हम लोग तुरंत चले जाएंगे लक्ष्मी माता के मंदिर, गणेश जी का दर्शन करेंगे और फिर लक्ष्मी माता का मंदिर जाएंगे। चलिए, यहाँ पर कुछ काम हो रहा है देखिए मंदिर में, इसलिए ये सब बाँस वाँस सब लगाए हैं। ये है लक्ष्मी मंदिर और ये है गणेश जी का मंदिर। तो चलिए पहले गणेश जी का थोड़ा सा दर्शन कर लेते हैं। तो हम लोग पहले गणेश जी के पास आए और उनको दर्शन किए। देखिए मूषक जी भी हैं, आप गणेश जी के साथ इतना बड़ा मूषक कहीं पे नहीं देखे होंगे। तो यहाँ पे देखिए इतना बड़ा मूषक गणेश जी के साथ उनका पूजा करते हैं। और चलिए फिर बाहर चलते हैं और मैं जा रही हूँ अभी लक्ष्मी मंदिर में। लक्ष्मी मंदिर में थोड़ी देर हम लोग पूजा करके, आरती हो रहा था मंदिर में, तो चलिए चलते हैं मंदिर में और यहाँ पे थोड़ा सा आरती देखते हैं। उसके बाद हम आ गए घर, मैं स्वाति को घर में छोड़ दी और ये हम लोग आ चुके हैं रोटरी में। यहाँ पे कुछ डांस प्रैक्टिस कर रहे हैं, देखिए मैं थोड़ा थोड़ा नीचे से दिखा रही हूँ, सॉन्ग भी आपको नहीं दिखा रही हूँ, बस थोड़ा सा नीचे से दिखा रही हूँ कौन सा डांस है क्या है। ये सब चीज़ आपको उस दिन मालूम चलेगा जिस दिन ये मतलब डांस परफॉर्मेंस होगा, उस दिन मैं दिखाऊँगी। तो प्रैक्टिस कर रहे थे यहाँ पर, बहुत अच्छा लग रहा था। ये नीचे मैं थोड़ा सा शूट कर रही थी, दिखा भी नहीं रही हूँ आप लोगों को, सरप्राइज़ है ये, खाली कौन सा डांस है आप लोग देखना बाद में, ठीक है। तो चलिए यहाँ से ख़त्म होने के बाद घर चलते हैं और फिर बात करते हैं। तो देखिए थोड़ा थोड़ा बारिश हो रहा है, मैं फिर जस्ट भीग भीग के आई, थोड़ा जिप 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 हल्का फुल्का जो बारिश होता है। और हम लोग मंदिर से दर्शन करके आ गए। मैं गई थी रोटरी में, कुछ दिखाई आपको थोड़ा सा, थोड़ा थोड़ा डांस मतलब का स्टेप, तो वो क्या चीज़ का है क्या है जब वो होगा तब मैं उसका फुल वीडियो दिखाऊंगी, ठीक है। तो बस आज का ब्लॉग आपको कैसा लगा ज़रूर बताइए, अगर अच्छा लगा तो लाइक कमेंट और शेयर ज़रूर कर दीजिए। और क्या बोलूँ, हाँ कल नेक्स्ट जो वीडियो है वो होगा आपका बावड़ा यात्रा का, तो हैप्पी बावड़ा यात्रा टू ऑल इन एडवांस, ठीक है एडवांस। और कल के लिए वीडियो शूट अगर मैं कर पाई कुछ भी तो आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। तब तक के लिए बाय।